सीए का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वीरेंद्र खट्टी के पार्टी के कार्यकर्ता गण एवं सत महत एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नजरबाग प्रांगण से विशाल रैली निकाली और लोगों को समझाया सीए का समर्थन करें। इस कानून से भारत के नागरिक कोई खतरा नहीं है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। जो विदेशी विदेशों में पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। हम 550 नागरिकों को हम भारत की नागरिकता दे चुके हैं और जो विरोधी दल समाज पे सीए के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं उनसे भी आगे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विशाल रैली निकाली गई, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? क्या इसका उद्देश्य? पहले तो सीए नागरिकता संशोधन जो विधेयक है पारित हुआ भारत में, तो 31 दिसंबर तक जो भारत आ चुके हैं उनको प्रवास के लिए उनको स्थायी नागरिकता दिए जाने बाबत ये बिल लागू किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों का विरोध भी है। और जो पाकिस्तान में कभी 11% हुआ करते थे हमारे हिंदू, पूर्वी पाकिस्तान में और भी ज़्यादा हुआ करते थे, धीमे धीमे उनके साथ अत्याचार किया गया, तो या तो उनके धर्म परिवर्तन कर दिए गए, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, कहीं चर्च तोड़ दी गई, सिख धर्म के ऊपर भी हमले किए गए। ऐसा नहीं है कि अकेले हिंदुओं के ऊपर हुआ है, सिखों के ऊपर भी किया गया, हिंदुओं के ऊपर भी किया गया, चर्चों को भी तोड़ा गया है। और आज वहाँ हिंदुओं की स्थिति यह है कि 2% अल्पसंख्यक से भी नीचे है। और बात करें तो ऐसा नहीं कि नागरिकता सिर्फ हिंदुओं को दी जा रही, मुसलमानों को भी 555 मुसलमानों को नागरिकता दी गई। 555 में से एक अदनान सामी भी है जो बड़ा नाम है, संगीत के क्षेत्र से है, तो सबको नागरिकता दी गई है। अब हिंदुओं को बांग्लादेश से भी निष्कासित किया जा रहा है, उनको वहाँ से निष्कासित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो आखिर जाए कहाँ? तो कहाँ, काली पानी में भेज दिया जाए या उनको मार दिया जाए? हिंदू जब सब जगह से छले जाएंगे, सब जगह से पीड़ित होंगे, तो कहीं ना कहीं तो उनको रहना पड़ेगा। तो भारत ही है जो उनको बार बार शरणागति देता है और बार बार सीएए के साथ सभी संत समाज, सभी धर्मों के धर्मगुरु एकत्रित होकर के आज शांति यात्रा के साथ में पूरे बिल्कुल में शांति मार्च लेकर के निकले हैं। तो ये सीएए लागू भी होगा और हमारे भारतीय भाई जो हैं विदेशों में फंसे हुए हैं उनको यहाँ स्थायी नागरिकता भी मिलेगी। भारतीय ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जिन्हें भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे अन्य समाज के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए इससे अन्य समाज के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बसे हुए हैं उनको भगाया नहीं जा रहा है। जो 47 से पहले जहाँ पाकिस्तान गए हों या बांग्लादेश गए हों, तो वहाँ तो उनका ही देश है, तो वहाँ उनको क्या समस्या हो सकती है? और यहाँ से उनको भगाने की भी कोई बात नहीं। सीए तो सिर्फ इस बात का एक प्रतीक है कि जो हिंदू भाई विदेशों में फंसे हैं, जिनके साथ रोज बरबर जो है हरकतें की जाती हैं, तो उनको यहाँ पुनः प्रवास मिले, इसके लिए ये सीए लागू किया गया है। और ये भ्रम फैलाने का जो काम है तो सदियों से चला आ रहा, आज़ादी से पहले भी होता था, आज भी होता आया है और आज भी होता रहेगा, कल भी होगा, लेकिन समर्थन करने वाले लोग तब भी ज़्यादा थे और आज भी ज़्यादा है, इसलिए उनको स्थायी यहाँ नागरिकता मिलेगी। वंदे मातरम। आपका नाम? मेरा नाम अनुपम जैन है। नागरिक परिषद टीकमगढ़ के तत्वावधान में ये कार्यक्रम रखा गया था, हम उसके संयोजक हैं अनुपम जैन। और ये सीएए 2019 जो अधिनियम आया है उसके समर्थन में हम लोगों ने एक विशाल मार्च का आयोजन किया था जो बहुत सफलतापूर्वक रहा। इसमें करीब 3000 लोग मार्च में शामिल हुए और घरों से 10,000 की संख्या में घरों से लोगों ने बाहर निकल के इसका समर्थन किया, फूल वर्षा की। और इसमें प्रशासन का भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बहुत बहुत सहयोग रहा और हमारी महिलाओं, हमारे साधुजन और हमारे पुरुष भाई वर्गों का विशेष सहयोग रहा। जय हिंद। वैसे आपने रैली के दौरान क्या मतलब लोगों को क्या बताने की कोशिश की है? लोगों को एक्चुअली सीएए के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो दूसरे लोगों ने गुमराह किया है वो गुमराह हो गए हैं और उसको बिना समझे ही उग्र होते जा रहे हैं। तो मेरा इस समाज से एक विनम्र अनुरोध है कि इसको प्रॉपर पढ़ें। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये भारत के नागरिकों के लिए नहीं है,
ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों जो भारत में आना चाहते हैं और अल्पसंख्यक हैं, वो जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वे भारत में आके और अपना नागरिकता ले सकते हैं। जो 21 दिसंबर 2021 तक भारत